अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल पिज़्ज़ा पॉप्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी होती है और खाने में बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेसिपी की फिलिंग को बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ऑयल के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे। और जब अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे से भून जाए तो हम इसमें चिकन की पीसीस को इसमें ऐड कर लें। तो हमने यहाँ पर बहुत ही चिकन को बहुत ही बारीक पीसीस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर बोनलेस हमने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चिकन को ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को भी हम यहाँ पर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्ची को इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें बिना पानी के ऐड किए इसको लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए। तो देखिए एक बार हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए चिकन अच्छी तरीके से गल गया है, यानी कि अच्छे से पक गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में हम यहाँ पर मसालों को ऐड कर लेंगे। जैसे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक को ऐड कर लें और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर को ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर लेंगे। तो अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम 1 कप कटी हुई बारीक प्याज को इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें प्याज और कैप्सिकम को ज़्यादा पकाना नहीं, यानी कि इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब इसमें हम 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस को इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चिकन स्टफिंग बनकर हमारी तैयार है। तो अब हम यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे। तो इसके ऊपर इस तरह से हम एक गिलास को रखकर इसको गोल शेप में हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो कुकी कटर से भी इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको प्रेस करके इसको इस तरह से निकाल लें। तो इस तरह से हमारे ब्रेड के स्लाइसेस को हम कट कर लेंगे। दूसरी ब्रेड के स्लाइसेस को इसी तरह से हम बना लेंगे और इस बचे हुए ब्रेड के एजेस को हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी और मैदे को मिक्स करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया है जो ग्लू की तौर पर काम करता है। तो अब इस ब्रेड के कट के हुए ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर एक वुडन स्टिक हमको इस तरह से ग्लू से अच्छे से फिल कर लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर हम चिकन की स्टफिंग को भर लेंगे। अच्छी तरह से फैला कर इसको पूरी तरह से भर लें और साथ में हम इसके ऊपर चीज़ को इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप इसमें कोई सा भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं या तो फिर इसी चीज़ बिना चीज़ के भी हम इस पर बना सकते हैं। तो दूसरी ब्रेड के स्लाइसेस को भी अच्छे से हम ग्लू को लगा लेंगे और ब्रेड के स्लाइसेस उसके ऊपर कवर करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए चिकन पिज़्ज़ा पॉप बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे चिकन पिज़्ज़ा पॉप्स को बनाकर रख लेंगे और इसके बाद हम इसकी कोटिंग को बना लेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 अंडे को फेंट लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा दूध को इसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि 2-3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें दूध को ऐड कर लेंगे और साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट को हम इसमें ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ओरेगानो को ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स को ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सब से। आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं या तो फिर स्किप कर सकते हैं। अब तो आप इसमें सिर्फ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसके कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर अंडे को फेंट लिया है और साथ में हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब एक हम पिज़्ज़ा पॉप को लेंगे, उस अंडे में डिप कर लेंगे और अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स से हम इसको कोट कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा पॉप बनकर तैयार है। तो हमने इसको अच्छे से कोट कर लिया है और इसी तरह से हम सारे पिज़्ज़ा पॉप्स को कोट करके रख लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए या तो फिर इसे आप डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम इसको ऐड कर लेंगे। तो एक से दो मिनट के बाद हम इसको साइड को चेंज कर लेंगे, यानी कि इसको पलटा कर फ्राई कर लेंगे। तो फिर से 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से पलटा लेंगे। तो अभी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कलर भी अच्छा से आ गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए पिज़्ज़ा पॉप को हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा पॉप्स को फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा पॉप बनकर तैयार है।
और साथ में टमाटो केचप बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वो बच्चे हुए बड़े सभी से बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर फॉलो करें। तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।